अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल BRK फिटनेस ऑफिशियल। सो आप देख रहे हैं बिलाल रजा को। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको दो ऐसी टिप्स बताने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद और फॉलो करने के बाद आपकी लाइफ में ज़रूर 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 चेंजिंग आएगी दोस्तों। आप लिख के ले लेंगे बात। मैंने भी ये दो टिप्स फॉलो की है, इसके बाद जाके मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी चेंजिंग काफ़ी तब्दीलियाँ पाई है। तो दोस्तों वो दो टिप्स बताना मैं शुरू करता हूँ। टिप्स नंबर वन है स्लिप ऑन टाइम और टिप्स नंबर टू है ईट ऑन टाइम। जी दोस्तों, मैं जानता हूँ ये बहुत ही इजी चीज़ है दोनों जो मैंने अभी आपको बताई, स्लिप ऑन टाइम और ईट ऑन टाइम, मगर दोस्तों क्या आप इन दोनों चीज़ों को फॉलो करते हैं? नहीं करते हैं दोस्तों। अगर आप इन दोनों चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप सोच नहीं सकते आपकी लाइफ स्टाइल किस कदर चेंज हो जाएगी। मैं आपको इनके मुख्तसर से आपको दोनों चीज़ों के बेनिफिट बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। अगर आप सोते हो टाइम से सोने पर दोस्तों, आपकी बॉडी जो पूरा दिन वर्क की हुई थकी हुई होती है, आप काम पे जाते हो, लाजमी आप स्टूडेंट हो, आप फिटनेस में, अगर फिटनेस की फील्ड में हो, बिजनेस में हो, लाजमी आपकी बॉडी थकती है, आपका माइंड थकता है। इस वजह से दोस्तों नींद टाइम पर करना बहुत ज़रूरी है। इसका नींद टाइम पर करने से मुराद दोस्तों आपका सोने का भी एक टाइम हो और उठने का भी एक टाइम हो। बाज़ अवकात आजकल क्या करते हैं लोग, 2 बजे सो जाते हैं, 3 बजे सो जाते हैं, 4 बजे सोकर सुबह 10-11 बजे उठ के बोलते हैं हमने अपनी भाई 8 घंटे की नींद पूरी कर ली। आपको ये नहीं करना है दोस्तों, आपको सोना है 11 बजे। तो चलते हैं हम टिप्स नंबर टू के ऊपर, ईट ऑन टाइम। दोस्तों ईट ऑन टाइम से क्या बेनिफिट है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों खाने का अगर आपका कोई टाइम नहीं हुआ, मतलब आप उठ रहे हो 10 बजे हो और आप खा रहे हो फिर 11 बजे हो, और दोपहर का जो आपका खाना है वो शाम में हो रहा होगा, लाजमी सी बात है 4 या 5 बजे के बीच, तो दोस्तों इससे बॉडी के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ सकते हैं आपकी। क्योंकि दोस्तों आपके मैदे को पता ही नहीं उसे वर्क कब करना है, आप कभी भी उसके अंदर खाना डाल देते हो। अब इस तरह तो नहीं हो सकता ना दोस्तों, आपको अपने बॉडी को बताना चाहिए कि भाई मैं उठूंगा सुबह 7 बजे या 6 बजे उठूंगा मैं, और मैं तुमको खाना दूंगा 7 बजे। इससे आपकी बॉडी का भी एक माइंड सेट होगा कि हाँ भाई 7 बज गए, रेडी हो जाओ, खाना आने वाला है, अब उसको हजम भी करना है मेरे को। इससे आपकी सेहत पे बहुत इफेक्ट पड़ सकता है दोस्तों, अगर आप अपना खाना टाइम पे नहीं खा रहे हो। इसी तरीके से दोस्तों आप एक चीज़ नोट करो, खाना टाइम पे खाना और सोना टाइम पे, इन दोनों का बहुत ही कॉमन रिलेशन हो जाता है दोस्तों। अगर आप जल्दी सोओगे, लाजमी सी बात है अब रात का जो डिनर करोगे वो टाइम पे जल्दी किया जाएगा आपसे, और अगर आप जल्दी उठोगे तो लाजमी सी बात है आपको भूख लगेगी, आप ब्रेकफास्ट अपना जल्दी करोगे। जब आप लंच और ब्रेकफास्ट दोनों जल्दी करोगे तो आपको डिनर के वक्त और लंच के वक्त भी भूख टाइम पे लगेगी। अगर आप जल्दी सोओगे जल्दी उठोगे तो ऑटोमेटिकली आपका टाइम का खाने का शेड्यूल जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह अगर आप टाइम पर खाओगे, आपका जो मेटाबॉलिज्म है, मतलब जो खाना जो हमारी बॉडी का इंजन कह लो आप, जो हमारा खाना हजम करता है, जो हमारी कैलोरीज वगैरह बर्न करता है, तो दोस्तों इससे उसके ऊपर भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि उसको भी पता होगा उसको कब अब खाना मिलने वाला है, तो उस चीज़ के लिए पहले से वो रेडी हो जाएगा। जिस तरह दोस्तों अगर आपका फिटनेस का गोल होगा तो आप जिम जाने से पहले माइंड सेट करते हो कि भाई मुझे जिम जाना है, आज चेस्ट लगाना है, तो आपका माइंड सेट है, चेस्ट आप लगाते हो, आप बहुत ही ईजीली लगा लेते हो, आपकी बॉडी भी इससे बिल्कुल सुकून में रहती है। इसके बाद दोस्तों होती है वीडियो मेरी यहीं पर, क्योंकि दोस्तों टाइम भी बहुत शॉर्ट है और मेरी वीडियो भी काफ़ी लंबी वैसे ही हो चुकी है। तो दोस्तों जाने से पहले मैं आपको ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि आप मेरी इस वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और नीचे जो बे आइकन है दोस्तों उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब कभी मेरी कोई न्यू वीडियोज आए आपके पास पहले ज़रूर घंटी बज जाए। चलता हूँ दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।